Hello everyone, welcome to Civil Step. Kindly let me know if you can hear me, if I'm audible, if you can see me. Kindly let me know. All right. Just acknowledge it if I am audible and visible to you. So this session is particularly for the one who are working और जो लोग job कर रहे हैं उनको किस तरीके से UPSC civil services की coaching को करना चाहिए या कैसे classes को pursue करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को किस प्रकार से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं ताकि जॉब के साथ साथ भी अगर हमने तैयारी करनी है UPSC की तो वो तैयारी करने का क्या तरीका हो सकता है और कैसे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे हमने जो है अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है और रिसोर्सेज को मैनेज करना है, तो ये जो सारा तरीका है ये हमने इस लेक्चर में पर्टिकुलरली देखना है। तो इसमें हमने जो वर्किंग प्रोफेशन है, प्रोफेशनल्स हैं, उनको सबसे पहले क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं और किस प्रकार से ऑफिस के साथ अपनी इस पूरी पढ़ाई को, क्योंकि बहुत विग्रस है UPSC की तैयारी और सरल नहीं है, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा एनर्जी डिमांड करता है, समय का डिमांड करता है और कई बार जो है हमें थोड़ा सा फैमिली या फ्रेंड सर्कल से कट ऑफ होके अपने अपने मोड में जाना पड़ता है जिसमें हम पढ़ाई कर पाए। तो अगर इस सारी तैयारी को हमने चलाना है तो किस प्रकार से चलाना है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा डिस्कस कर लेंगे कि क्या किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें नहीं पढ़नी चाहिए और जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो शायद प्रोफेशनल्स करते हैं वो मिस्टेक्स ना दोहराएं जो हम इतने समय से पढ़ा रहे हैं और जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, तो उस एक्सपीरियंस के तहत जो डूज एंड डोंट्स हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के वो शायद थोड़े से डिफरेंट है उन लोगों के बजाय जो फुल टाइम बैठ के तैयारी कर रहे हैं या जो शायद कॉलेज में है अभी या कॉलेज पास आउट होके पूरी फिजिकल कोचिंग को एक्सेस कर सकते हैं, तो उनके लिए सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल का क्या तरीका होना चाहिए और तरीका के साथ साथ हमें ये देखना है कि कौन से वो सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल फेस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल वो कौन से कंस्ट्रेंट है जो या वो क्या चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस को वो आमतौर पे फेस करते हैं यूपीएससी को प्रिपेयर करते वक्त। तो फर्स्ट जो है जब हम लोग तैयारी भी करते हैं तो सबसे पहला है कि मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मोटिवेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन तब आएगी जब आपके अंदर वो पैशन होगा बहुत ज्यादा यूपीएससी के लिए। अगर यूपीएससी के लिए वो पैशन मिसिंग है, अगर वो मोटिवेशन मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो तैयारी नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑलरेडी इतनी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी आपकी पूरे ऑफिस के बाद कि आपने उसके बाद अगर 3-4-5 घंटे पढ़ना भी है घर आके तो वो पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा अगर अंदर से बहुत मोटिवेटेड नहीं हो, इतने ज्यादा जील आपके अंदर नहीं है तो डीमोटिवेटेड से फील करोगे। या आप देखो कि अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी क्लियर विद योर ऑब्जेक्टिव, तो अगर आपके क्लैरिटी नहीं है थॉट्स में कि आप सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हो और कितना ज्यादा पैशन है, क्या पागलपन है सिविल सर्विसेज के लिए, तब तक जो है आपका टाइम मैनेजमेंट भी ठीक नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं आपको जो है आप अबंडन करोगे तैयारी को या कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करोगे इस पूरे प्रिपरेशन से क्योंकि इतना हेक्टिक हो जाता है तैयारी करना कि जो है अगर ठीक पैशन नहीं होगा तो नहीं परस्यू कर पाते। तो सबसे जो पहला एस्पेक्ट है हम देखते हैं कि क्या चैलेंज है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी होने लग जाती है। 2-4-5-6 महीने के बाद तैयारी छोड़ने का दिल करता है क्योंकि आप देखते हो कि बाकी जो लोग हैं वो अपने वीकडेज को भी एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड को भी एंजॉय कर रहे हैं, हॉलीडेज या फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे हैं और जो वर्किंग प्रोफेशनल है ऑलरेडी टाइम का क्रंच है और वो जो टाइम का क्रंच है वो और बढ़ जाता है कि आप जो है जो बचा कुचा समय है वो पढ़ाई को डिवोट करते हो और थोड़ा सा सोसाइटी से कट ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हो, तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं डल हो जाती है। फिर वो डल हो जाती है क्योंकि 2-4-5 महीने की तैयारी का गेम नहीं है ये, और एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है। और एग्जाम में हम देखते हैं कि लेट सपोज अगर हम SSC की प्रिपेयर करते हैं, बैंकिंग को प्रिपेयर करते हैं, तो 6-8 महीने में एग्जाम प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज थोड़ा सा बड़ा है और इसको जब प्रिपेयर करते हैं तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर, मेनी सब्जेक्ट्स कुड परहैप्स की कुड बी देयर जो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है आपके लिए और आपको बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो ऐसा भी सीन होता है। तो मन करता है कि पढ़ाई छोड़ दें और इतना हेक्टिक लगने लगता है तो दिल करता है कि पढ़ाई छोड़ दें, तो ये पढ़ाई ना छोड़े तो उसके लिए आपकी जो है मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि टाइम का एक बहुत पॉसिटी रहती है वर्किंग प्रोफेशनल को कि 8-9 घंटे का जनरल वर्किंग आवर है अगर कोई NCR में रहता है या मेट्रोपॉलिटन में रहता है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में, जो बड़े शहर है वहाँ ट्रैवलिंग भी अपने आप में एक समस्या है और टाइम टेकिंग है,
तो और ज्यादा टाइम खर्च होता है ट्रैवलिंग में, और ऐसे लोग भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए और कैसे अपने वीकडेज को मैनेज करना है, कैसे अपने वीकेंड्स को मैनेज करना है, कैसे अपने ऑफिस आवर्स में पढ़ाई को मैनेज किया जा सकता है, सुबह उठ के उन्हें क्या करना चाहिए, शाम को ऑफिस से आने के बाद क्या करना चाहिए, जो पूरा बैलेंस है टाइम को लेके। तो ये टाइम को बहुत बहुत इंटेलिजेंटली हमें यूज करना है, और टाइम एज अ रिसोर्स को बहुत ध्यान में रखना है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट बिकम्स द वेरी कार्डिनल फीचर ऑफ प्रिपरेशन। फिर थर्ड हम कहते हैं कि और क्या कंस्ट्रेंट है, रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है। यहाँ रिसोर्सेज पैसा नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, क्योंकि फाइनेंसेस ऑलरेडी जो वर्किंग प्रोफेशनल है दे आर गुड विद द फाइनेंसेस, एटलीस्ट दे कैन अफोर्ड द फीस। लेकिन जब रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे मटीरियल है, यहाँ कंटेंट है, कि यूट्यूब पे इतना कुछ फ्री है, इतना कुछ गूगल के ऊपर फ्री है, कि इतने सारे रिसोर्सेज है, वहां से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, रेलिवेंट कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना इटसेल्फ बिकम्स अ टास्क। तो क्योंकि वो इतना कठिन हो जाता है कि रिसोर्सेज ठीक से मोबिलाइज नहीं हो सकते, कंटेंट ठीक से नहीं मोबिलाइज हो पाता, तो हमने देखना है कि रिसोर्सेज को बहुत स्मार्टली हमने यूज करना है। और कहीं ना कहीं क्योंकि टाइम का ऑलरेडी कंसर्न है, अगर हम रिसोर्सेज ठीक से नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और ठीक से नहीं देख पाए कि कहाँ से हमें चीजों को पिक करना है, रेलिवेंट कंटेंट को उठाना है, तो भी हमारे सारी तैयारी खराब होने के चांसेस होते हैं, अटेम्प्ट खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है कि रिसोर्सेज सही से पता चल पाए हमें, तो वो भी एक कहीं ना कहीं चैलेंज है। फोर चैलेंजेस कि पीयर ग्रुप का मतलब है वो लोग जो आपके साथ बैठ के तैयारी करें, तो ऐसा सर्कल जनरली वर्किंग प्रोफेशंस को नहीं मिलता। ये सर्कल ना मिलने के पीछे कारण है कि आप देखो जो लोग फिजिकल कोचिंग कर रहे हैं या जो कॉलेज टाइम पे ही कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उन लोगों के पास दोस्त हैं, वो पूरा सर्कल है उनका जो कोचिंग कर रहे हैं, उनके पास डिस्कशन करते हैं वो लोग, शाम को जो है चैट कर रहे हैं इन मुद्दों के ऊपर जो शायद सिविल सर्विसेज के डिस्कशन फोरम्स होने चाहिए। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशन है उसके पास उस प्रकार का सर्कल नहीं है, क्योंकि जनरली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो ऑनलाइन कोचिंग पे ही रिलाई करते हैं। क्योंकि वो ऑनलाइन कोचिंग पे ही रिलाई करते हैं तो उसका उनका जो है पीयर ग्रुप क्रिएट नहीं हो पाता। ऐसे केस में जब पीयर ग्रुप नहीं क्रिएट हो पाता तो हमें करना है कि किस प्रकार से हमने वो सर्कल क्रिएट करना है, उन लोगों के बीच में रहना है जो शायद तैयारी कर रहे हैं। तो इसका तरीका है कि हम लोग डिस्कशन फोरम है हमारे गूगल के ऊपर, हजारों प्रकार के वेबसाइट्स के ऊपर ब्लॉग्स हैं और उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं, टेलीग्राम के कई सारे चैनल्स हैं उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो कौन से वो रेलिवेंट चैनल्स हैं जिनके थ्रू हमें इंटैक्ट रहना है ताकि हम तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और हम कहीं ना कहीं डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें और अपने व्यूज औरों से शेयर करें और औरों के व्यूज से भी हम लाभ उठा पाएं। तो ये पीयर ग्रुप का जो पूरा रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में। नेक्स्ट इज जो चैलेंज फेस करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल, दैट इज पर्टेनिंग टू द एनर्जी, कि इतना ज्यादा जॉब अपने आप में एनर्जी ड्रेन कर लेती है, ऑफिस का स्ट्रेस भी है, कई बार बॉस से लड़ाई हो रही है, पीयर ग्रुप के साथ पॉलिटिक्स है, या जूनियर जो है वो आपके अनुसार काम नहीं कर रहे, तो ये जो सारे प्रेशर लेके फिर आप घर पहुंचते हो तो आप मेंटली नॉट फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा ड्रेन आउट हो जाते हो एनर्जी को लेके, कि सारी ताकत ही खत्म हो जाती है पूरे दिन की, इतने एफर्ट लग जाते हैं इस मेंटली ऑफिस के अंदर। और कहीं ना कहीं जैसे हमारा बहुत बड़ा यूजर बेस है जिसमें लोग बैंकिंग सर्विसेज में है या स्टेट सिविल सर्विसेज में है और वो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा हमारा ऐसा यूजर बेस भी है। तो हम देखते हैं कि उनका जो है जनरल कंसर्न रहता है कि इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली या इमोशनली ड्रेन करती है जॉब, तो कैसे हमने जो है अपनी एनर्जीज को बचाना है या अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना है, ताकि ये पूरी प्रिपरेशन में जो है इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है, हाई लो हो जाते हैं इमोशंस, कभी बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करेगा तो कभी चार पांच दिन के ऐसे स्लम्स आएंगे इमोशनल की आपका पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा, किताब नहीं उठा पाओगे, तो वो उस सारी चीजों को कैसे बैलेंस आउट करना है, तो एनर्जीज को कैसे हमने चैनलाइज करना है। तो दिस इज व्हाट कंस्ट्रेंट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल फील्ड्स। और लास्ट पार्ट है कि इसी से रिलेटेड ऑफिस स्ट्रेस, कि ऑफिस स्ट्रेस से हम लोग ने कैसे डील करना है और किस प्रकार से ऑफिस के स्ट्रेस को आपकी पढ़ाई के ऊपर ना आ जाए और आपकी एफिशिएंसी के ऊपर, इफेक्टिवनेस के ऊपर ना आ जाए, तो ऑफिस स्ट्रेस के साथ कैसे डील करना है, तो ये भी पार्ट हमारा है आज के लेक्चर का रहेगा। तो मूविंग फॉरवर्ड टू दी, अब इन जो इतनी सारी ब्रॉड बातें करी हमने, इन सबको हम क्या करेंगे अब तीन पार्ट में संक्षेप में पढ़ेंगे कि इन सबको नटशेल में अगर हमें बोलना हो तो एग्जैक्टली करना क्या है। ये तो हमारे सारे वो मुद्दे हैं, ये सारे कंस्ट्रेन है जिसकी वजह से शायद तैयारी करने में कठिनाई होती है। तो इससे अगर हम बाहर आ जाते हैं और अब इसके सॉल्यूशन की तरफ को जाते हैं, तो दीज वर द चैलेंजेस व्हाट आर वर्किंग प्रोफेशनल फील्ड्स, और इससे जब हम बाहर आते हैं तो हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ को जाते हैं या मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। मैनेजमेंट का अर्थ है कि क्यों मैं बार बार वर्ड मैनेजमेंट यूज कर रहा हूँ, कि जैसे दिन में 24 घंटे आपके पास भी हैं, मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं,
जो एक आईएएस अधिकारी जिसने पूरे शहर को गवर्न करना है उसके पास भी 24 घंटे, एक प्रधानमंत्री उसके पास भी 24 घंटे, तो मींस कि हमने अपने टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूज करना है। हमने क्वांटम नहीं देखना, हमने अमाउंट ऑफ टाइम नहीं देखना कि सभी के पास 24 घंटे, सबके अलग अलग हालात हैं, तो कौन इन 24 घंटों को बहुत स्मार्टली एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो जो है टाल मटोली करता रहेगा और आज और कल पे बातें डालता रहेगा, डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन से दूर होता जा रहा है, रैंक से दूर होता जा रहा है। तो इन सारी चीजों में हम देखते हैं कि कैसे हमने अब इन सारे कंस्ट्रेंट को, चैलेंजेस को डील करना है और कैसे यहाँ से रैंक निकालनी और कहीं ना कहीं अपना सफर मसूरी की तरफ लेके जाना है जहाँ हमारी लवासना है, आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी है। तो इसी में हम देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इन सारी बातों के। तो फर्स्ट हमने ये चार्ट याद रखना है आप लोगों ने, और ये तीन पिलर हैं यूपीएससी की तैयारी के, और अगर आपके इन तीन पिलर के ऊपर कमांड है तो यू विल गेट टू नो कि कैसे आपने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना है या आपने इस पूरी तैयारी को मैनेज करना है। तो दिस इज हाउ टू मैनेज यूपीएससी प्रिपरेशन। इसमें देखना है कि सबसे पहले तीन चीजें हैं जो आपने मैनेज करनी है। फर्स्ट इज योर इमोशनल। इमोशनल ठीक से मैनेज होगा तो यू कुड एबल टू मैनेज योर टाइम। और अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने बाकी के रिसोर्सेज इज पर्टेनिंग टू द कंटेंट, जो आपने पढ़ाई करनी है, जो मटेरियल है, उसको कैसे बहुत अच्छे से यूज करना है या उसको कैसे मैनेज करना है। तो दिस इज योर रिसोर्स और कंटेंट मैनेजमेंट। तो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना है प्रिपरेशन करते हुए, योर इमोशनल बैलेंस, योर टाइम बैलेंस एंड योर मटेरियल बैलेंस। तो दीज आर द पिलर्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। अब सबसे पहले एक एक पिलर को पिक करते हैं और उसके बारे में इलेबोरेटली देखते हैं कि उसको डील कैसे करना है हमने। तो अगर हम जब फर्स्ट पिलर की बात करते हैं जहां इमोशनल मैनेजमेंट वाला पार्ट है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इमोशंस, और क्यों हम जो है यूपीएससी में जो कि एक एकेडमिक फील्ड है उसमें इमोशंस की बातें कर रहे हैं कि क्या रेलिवेंट है यहाँ इमोशंस की और कैसे ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपकी सक्सेस के लिए। तो इमोशनल बैलेंस क्यों मैंने फर्स्ट में लिखा है, सेकंड में भी नहीं है, तो प्रायोरिटी वाइज दिस इज द फर्स्ट बिकॉज दिस विल डिसाइड योर मेंटल बैलेंस। वंस यू आर मेंटली फिट, इफ यू आर मेंटली इक्विप्ड टू डील विद दिस सिचुएशन, तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप एक छोटा एस्पेक्ट है, आप अपने आप मैनेज कर लोगे। लेकिन जब तक आपके अंदर वो पागलपन नहीं है आईएएस बनने का और वो मोटिवेशन ही नहीं है और आपकी राइट इंस्पिरेशन नहीं है, तब तक जो है आप ना तो टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करोगे और ना आपका मटेरियल मैनेजमेंट करने का मन करेगा। तो अगर आपने इस पूरी तैयारी को चैनलाइज करना है, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है, तो यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस वेल। तो इमोशन मैनेजमेंट में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका एम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली क्लियर होना चाहिए। अगर आपका एम आईएएस है तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए आईएएस बनने का। तो सबसे पहली चीज का ये ध्यान रखना है कि यू आर सपोज टू कीप योर एम वेरी वेरी रिजिड और आप में वो पागलपन होना चाहिए फिर आईएएस बनने का। एम अगर आपको क्लियर है तो आपको ऑब्वियसली पैशन क्रिएट हो जाएगा इसके लिए, आपको इसके लिए पागलपन क्रिएट हो जाएगा और आप सोते उठते बैठते खाते हर टाइम आपके मन में करेगा कि मैं पढ़ लेता हूँ और मैं थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ, थोड़ा एफर्ट कर लेता हूँ और मैं जो है आईएएस बन सकता हूँ एक दिन। और इसीलिए जब ये पैशन होगा तो आप अपने आप अपना टाइम मैनेज कर लोगे। आपका मन नहीं करेगा कि आप व्हाट्सएप पे टाइम खराब करो, आपका मन नहीं करेगा कि आप वीकेंड में जाके मूवीज देखो, दोस्तों के साथ जो है टाइम स्पेंड करो, तो वो अपने आप चीजें रिसीड होने शुरू हो जाएंगी। आपका सोशल सर्कल अपने आप, आपको कोई एफर्ट ही नहीं डालना पड़ेगा और आप देखोगे कि आप अपने आप डिसइंटरेस्ट हो गए उन सारे एरियाज में जहां आपका टाइम अभी खराब हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने पैशन के थ्रू चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पैशनेट है, पैशनेट हो गए तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, पैशनेट होने के बाद आपकी ये सारी चीजें अपने आप बिल्डअप हो जाएंगी। जैसे पैशन होगा तो कई लोग कहते हैं कि मेरा ना पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे हमारे पास जनरल क्वेरीज आती हैं कि सर सारी चीजें ठीक है, क्लासेस तो इंटरेस्टिंग है और पढ़ा भी अच्छा रहे, लेकिन ना पढ़ने का मन नहीं है। वो कभी भी नहीं होता। अगर पढ़ने का, अगर आपके अंदर वो पैशन है तो कभी मैं मान ही नहीं सकता कि आपका पढ़ने का मन ना हो। और ये जो सारे बहाने मारने वाली बातें, ये बहाने नहीं है, एग्जैक्टली लैक ऑफ पैशन है। आप में पागलपन है तो अपने आप आपका मन करेगा कि आप पढ़ेंगे। तो मींस कि जो आपका हार्डवर्क है, हार्डवर्क को ड्राइव ही पैशन करता है। हार्डवर्क करने का मन आपका तब करेगा, जैसे लेट सपोज कि मैंने एक टारगेट अपना लाइफ में सेट किया है कि मेरे को जो है माउंटेनियरिंग सीखनी है और उसके लिए मेरे को पैशन होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। जिस दिन मेरे लिए माउंटेनियरिंग का पागलपन है, पैशन है, तो अपने आप में जो है अपने आप को प्रैक्टिस डेली लाइफ में ऐसे करूंगा कि मॉर्निंग में उठ के मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ, फिटनेस का ध्यान रख रहा हूँ, डाइट्स का ध्यान रख रहा हूँ और अपने को ट्रेन कर रहा हूँ ताकि मैं जो है पहाड़ चढ़ सकूँ। तो मीन्स वो हार्डवर्क आपको पैशन ही कैरी करवाएगा, पैशन के थ्रू ही हार्डवर्क पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक है सेल्फ कंट्रोल।
सेल्फ कंट्रोल का क्या यूपीएससी के प्रिपरेशन में, सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि हम सबकी टेम्पटेशंस है, कि हमारी टेम्पटेशंस है कि जो है हम ऑफिस के बाद ऑलरेडी थके हुए हैं कि लेट्स चिल आउट विद दी फ्रेंड्स, है ना, या जो है वीकेंड में प्लान बना लिए कि चलो थोड़ा सा घूम आते हैं, अगर मेट्रोपॉलिटन दिल्ली के आसपास है तो चलो नैनीताल मसूरी घूमाते हैं, और मुंबई के पास है तो लोनावला चले गए, है ना, या जो है महाबलेश्वर चले गए, तो इस तरह से हम लोग जो है हैंग आउट करने लग जाते हैं दोस्तों के साथ। तो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर आपका किसी पर्टिकुलर चीज के लिए पैशन है तो आपकी अपने आप लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी और अपने आप सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। कि अगर आपके अंदर पागलपन है, कि आपका ड्रीम है, अगर एक्चुअल में वो ड्रीम है और आपने वो ड्रीम खुद सेट किया है और आप इतने ज्यादा उस ड्रीम के लिए मोटिवेटेड हो, तो आपका सेल्फ कंट्रोल अपने आप क्रिएट हो जाएगा। आपको पता है कि आपने अपने टाइम को बचाना है, तो आप अपने आप हैंग आउट करना बंद हो जाओगे, मूवीज जाना कम हो जाएगा, फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ टाइम स्पेंड करना कम हो जाएगा। और ये कई बार लोग कहते हैं कि सर इतना सारे जो है हम लोग इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं और इतना ज्यादा अपने को ये सारी चीजों से दूर जा रहे हैं, तो क्या ये सब इन्वेस्ट करने का फायदा है इस चीज के अंदर? ऑब्वियसली बहुत सारा फायदा है। कि आप देखो कि आप लॉन्ग रन या शॉर्ट रन की गेम है, कि लॉन्ग रन में अगर आपका एम आईएस है तो आपको शॉर्ट रन में चीजें थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, और वो त्याग ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा मन मार के त्याग किया है। अगर पैशन है तो अपने आप ही आपका सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, आपको कभी भी ये चीज चुभेगी नहीं कि आप जो है हैंग आउट नहीं कर रहे। आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा क्योंकि आपका ड्रीम क्लियर होगा, आप रोज एक दिन पढ़ के अपने ड्रीम के करीब जा रहे हो, तो दिस इज द थिंग। तो यही हमने ध्यान रखना है कि जैसे कि कई ऐसे डेज आएंगे, लेट सपोज 365 दिन आपने तैयारी करनी है, उसमें से 100 दिन आपने खराब कर लिए, या हर तीसरे दिन आपको लगता है यार दो दिन तो बहुत पढ़ लिया, आज क्या पढ़ने की जरूरत है, आज रहने देता हूं, आज जो है बंक कर लेते हैं, आज की ऑनलाइन क्लास नहीं लगाते, आज अखबार रहने देते पढ़ना, तो ये जो 100 दिन आपने छोड़ दिए क्लासेस के, है ना, वो अगले साल के 100 दिन पाइल अप हो जाएंगे, आप अपनी तैयारी से दूर हो जाओगे। तो हर दिन आप जो वीडियोस देख रहे हो, अपने कोई भी आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो, आपने सिविल स्टैफ ज्वाइन किया हो, आप रोज अखबार पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, और जो डेली स्किप कर रहे हो आप चीजें, आप अपने आप अपने ऑब्जेक्टिव से दूर जा रहे हो। मैंने सिंपल एक आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, आप इतना ज्यादा रिलेट कर पाओगे। आप देखो कि 1:365 कि अगर एक को जो है 365 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर 1.01 को 365 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट विल बी 37, मोर देन 37। तो मींस कि जस्ट 0.01 इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है अगर 365 दिन किया जाए। तो दिस इज द क्वांटम ऑफ हार्ड वर्क, कि आप एक घंटा 365 दिन अगर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो दिस कुड बी द रिजल्ट। तो रिजल्ट बहुत मार्वेलस है। ऐसे ही आप ये मत सोचो कि आज अखबार छोड़ दिया तो क्या बिगड़ जाएगा, दो दिन बाद छोड़ दिया तो क्या बिगड़ जाएगा, इन अ लॉन्गर रन बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि कभी भी मिस नहीं करनी चीजें। तो ये वाला जो ये जो हैबिट ऑफ क्विटिंग है, ये कभी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आपका मन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज नहीं पढ़ते, तो ये नहीं है। चीजें बहुत ही सरल फॉर्म में, बहुत ही सहज ढंग से फ्लो करनी चाहिए, और वो फ्लो तब करेंगी जब आपका पैशन है आईएएस बनना, तो वो अपने आप सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, आपका अपने आप जो है हार्डवर्क करने का मन करेगा। वन इज दी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो लगातार पढ़ने वाली जो बात है, दैट इज द डिसिप्लिन। जो हार्डवर्क में अगर कंसिस्टेंसी है तो दैट इज डिसिप्लिन, या कंसिस्टेंसी भी हम लोग लिख सकते थे। तो हार्डवर्क लगातार मल्टीपल डेज तक किया जाए या मल्टीपल ईयर्स तक, मंथ्स तक किया जाए, तो इट इज डिसिप्लिन। तो हमने डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखना है, और वो डिसिप्लिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इट इज ड्रिवन बाय द इमोशनल मैनेजमेंट, कि यू शुड हैव द राइट ऑब्जेक्टिव एंड यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, तो तभी ये चीजें जाके आगे आएंगी। तो दिस इज द थिंग, एंड वन डे ऑब्वियसली यू नीड टू कीप पेशेंस फॉर 1 or 2 years। जैसे इस साल जो टॉप रैंकर हैं यूपीएससी में, उन्होंने जो है 29 साल की एज में जो है क्लियर किया है, और उससे पहले कितनी बार वो आईआरएस बने और उससे पहले भी सर्विसेज में रहे हैं। तो इतना छठे अटेम्प्ट तक पेशेंस रखना, 6 साल तक पेशेंस रखना, तो मींस कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने भी 6 साल लगाने हैं, तो एटलीस्ट 1 या 2 साल का पेशेंस सबको रखना पड़ेगा। और ये पेशेंस वर्थ है कि इतना कुछ सीख जाओगे आप इस पूरी प्रिपरेशन में, कि आपके पूरे जो है नजरिए बदल जाएंगे, आपका फ्रेंड सर्कल बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नॉलेज मैच्योरिटी को गेन कर लोगे, इमोशनल मैच्योरिटी को गेन कर लोगे, आपको चीजें दिख रही होंगी समक्ष जो है प्रत्यक्ष फॉर्म में, आपको चीजें दिख रही होंगी जो शायद आज तक आपको नहीं दिख रही थी क्योंकि आपके नजरिए बदल चुके होंगे। तो दिस इज व्हाट यूपीएससी गिव्स टू यू। तो इस ढंग से हमने चीजों को आगे लेके जाना है। तो इमोशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी प्रिपरेशन का, इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर पे बिफोर द टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, तभी आप जाके आईएएस बनोगे। जिसके अंदर इतना पैशन नहीं है, पागलपन नहीं है, वो 6 साल बैठ के तैयारी नहीं कर सकता, तो वो पागलपन होना बहुत जरूरी है।
सेकंड एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी इज नाउ कमिंग टू द सेकंड एस्पेक्ट दैट इज द टाइम मैनेजमेंट. कि जी सब कुछ बात ठीक है, बहुत पैशनेट है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे कि बहुत मन है, पागलपन है बिल्कुल, जो है आईएससी बनना एक दिन, लेकिन बने कैसे, रास्ता क्या हो. तो एक तो है कि इमोशनल मैनेजमेंट आपको आईएएस की जर्नी में मोटिवेट तो करेगा, लेकिन अगर सही रास्ते पे नहीं चलोगे तो कोई फायदा नहीं है. कि लेट सपोज जो है मैं ना बहुत तेज भागता हूँ, और जो है मैं क्लास में या कॉलेज के सारे बच्चों से तेज भागता हूँ, लेकिन जब रेस शुरू हुई तो मैं ना रेस के शुरू होते ही जो है उल्टी दिशा में भाग रहा हूँ और बहुत तेज भाग रहा हूँ, तो मैं कभी भी जो है रेस जीत नहीं कर सकता. मींस कि डायरेक्शन हैज टू बी देयर. तो टाइम मैनेजमेंट विल गिव यू द डायरेक्शन कि क्या वो प्लान होना चाहिए, जब पैशन भी है तो किस रास्ते पे चलना है पैशन के बाद. तो दिस इज हाउ टाइम मैनेजमेंट विल वर्क. तो टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है, ये पर्टिकुलरली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, सबके लिए ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है. हेलो विकास, तो ये टाइम मैनेजमेंट ये सबके लिए नहीं है. तो जब वर्किंग प्रोफेशनल है, मैंने आपको बोला था कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है वो कंस्ट्रेंट होता है कि हमने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि समय की तो पाबंदी है, और हम देखते हैं कि सुबह का समय है और शाम का समय है, क्योंकि दिन वाले टाइम पे आप ऑफिस में रहते हो. तो इस केस में तो हम देखते हैं कि हमने पूरी तैयारी को, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, तैयारी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल हैज टू बी सिक्वेंशियल. सिक्वेंशियल का क्या अर्थ है? सिक्वेंशियल का मतलब है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो ऑप्शनल भी एक सब्जेक्ट है और जनरल स्टडीज भी है, तो दो चीजें हो जाती हैं. तो हमने दोनों एक साथ स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है. आपने ऐसा थोड़ी कि कान में हेडफोन लगा के बस लेक्चर देख लिए, उससे काम नहीं चलेगा. आपने लेक्चर को पढ़ना भी है, आपने अखबार भी पढ़ने हैं, वैल्यू एडिशन भी करनी है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं. तो मींस जीएस बहुत हैवी है और समय की कमी है, और साथ में आप ऑप्शनल शुरू कर दोगे तो जो है आपको बस एंजाइटी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव तो है यूपीएससी क्लियर करना, लेकिन आप ठीक से उसे नेविगेट करके पहुंच नहीं पा रहे वहां तक. तो हमने क्या करना है, अपनी तैयारी को दो पार्ट में तोड़ देना है. शुरू के 8 महीने दे दो जीएस को, और नेक्स्ट 4 महीने दे दो ऑप्शनल को. और सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट की, सबसे बड़ी बात कि कभी भी जब आप तैयारी में हो, कभी भी नेवर एवर, ये सबके लिए एडवाइस है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, नेवर एवर थिंक ऑफ क्विटिंग योर जॉब. कभी नौकरी छोड़ के तैयारी नहीं करनी है. ये मत सोचो कि अरे मैं कॉलेज में होता तो कॉलेज वाले बच्चों के पास तो 10-10, 12-12 घंटे का टाइम है, और मैं भी उनकी तरह तैयार कर लेता तो मैं एक दिन आईएएस बन जाता. ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास जो लग्जरी है वो कॉलेज वाले के पास नहीं है. आपके पास जो मैच्योरिटी है, आपके पास जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, और उससे इंटरव्यू में जो आपकी पर्सनैलिटी झलकेगी और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो जॉब के बाद ही तो आया है. तो आप जॉब छोड़ने की कभी ना सोचें, जॉब के साथ ही तैयारी करें, मैनेज करना सीखें चीजों को. क्योंकि आपने जब आईएएस बनना है तो आईएएस ने भी पूरा शहर मैनेज ही करना होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है, अपने को मैनेज करना है. तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट. तो आपने ये मैनेजमेंट सीख के जाना है यहाँ पे जब आप तैयारी कर रहे हो. तो नेवर एवर थॉट थिंक ऑफ क्विटिंग योर जॉब. सेकेंड थिंग इज कि अपने को ना कंपेयर नहीं करना कि जो है अगर बहुत अच्छा होता, हमने 18 साल की एज में तैयारी शुरू कर दी थी, जैसे टीना डाबी ने स्टार्ट करी और बहुत स्मार्टली उन्होंने जो है टाइम से स्टार्ट कर दिया. तो मत सोचो, अब आपके वो सर्कमस्टांसेस नहीं, आपके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है. अब आप एक बार जॉब में घुस गए हो तो उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी को मैनेज करने की कोशिश करो. इसमें आप देखते हैं कि अब क्या रियलिस्टिक प्लान होते हैं कि जो है टीना डाबी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, और कई सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, लेकिन ऐसे टॉपर केवल मुट्ठी भर होते हैं. और वो टॉपर इतने सारे यूट्यूब पे बोल देंगे कि हमने तो बस 4 दिन पहले किताब उठाई थी, 10 दिन पहले किताब उठाई थी. और आप भी उनके अनुसार जो है अपने को आंकते हो कि जब इसने 4 दिन में निकाल दिया तो मैं भी जो है 4 दिन में ही निकाल दूंगा पेपर. ऐसा नहीं होगा. आपने केस लेना है मेजोरिटी का. कभी भी माइनॉरिटी की केस के हिसाब से मत तैयारी स्टार्ट कर दो कि टॉप रैंकर ने जो है सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले लिया, टॉप रैंकर ने पीएसआईआर ऑप्शनल ले लिया, तो मैं भी जो है पीएसआईआर ऑप्शनल से तैयारी कर लेता हूं. नेवर एवर डू इट. एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वीडियो है जिसमें हमने बताया कि हाउ टू चूज योर ऑप्शनल. तो एक बार उसको देखो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ऑप्शनल कैसे लेना है. तो हमेशा अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से चीजें बिल्ड करो. तो हमने जनरली अपने एक्सपीरियंस में देखा है, और यूपीएससी ने जो डेटा रिलीज किया है, केवल 9% लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करते हैं, केवल 9%. तो आपने इन 9% को देख के एम्बिशियस टारगेट नहीं रख लेना कि एक ही साल में निकालेंगे, चाहे जॉब 10 घंटे की हमारी. आपने रियलिस्टिक बातें करनी है, प्रैग्मेटिक होनी है चीजें. आप देखो केवल 9% जब प्रीलिम्स मींस क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप यही 9% नहीं हो, आप 91% के हिसाब से चलो अभी. और आप अपने लिए प्लान बनाओ
क्योंकि मैं 8 घंटे नौकरी कर रहा हूँ और मैं 4 या 5 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए सफर थोड़ा लंबा जाने वाला है, मेरे पास टाइम की लग्जरी नहीं है और मैं कहीं ना कहीं ड्रेन आउट भी हूँ एनर्जी में, तो मेरा जो है प्लान 2 साल का है एंड दिस इज द रियलिस्टिक प्लान फॉर वर्किंग प्रोफेशनल. 99% केसेस में लोगों के लिए यही प्लान सुटेबल है. डोंट ट्राई टू बी इन द 1% कि जो है एक जो लोगों में आजकल मैं देखता हूँ एक पागलपन है, नहीं जी फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालेंगे. भाई आप कैसे निकालोगे जब आपके जो है चैलेंजेस ही डिफरेंट है और संभव ही नहीं है. 1 साल के बाद तो अक्ल आती है कि यूपीएससी में करना क्या था, कि 1 साल तो केवल ये समझने में लग जाता है अच्छा सब्जेक्ट 11 होते हैं, 12 नहीं है, 14 नहीं है, और उन सब्जेक्ट के अंदर क्या है और क्या नहीं है. 1 साल के बाद तो समझ आता है क्या नहीं पढ़ना था पूरी तैयारी में. तो ये तैयारी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी बड़ी है, इसको रिस्पेक्ट करो उसी के अकॉर्डिंग, और उसी अकॉर्डिंग अपने को ढालने की कोशिश करो. हम कोशिश क्या करते हैं कि मैं ना बॉक्सर बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैच तो जो है फुटबॉल का लगा और मैं इसमें भी जीत जाऊंगा. तो मींस हमारा एप्टीट्यूड डिफरेंट है, हमारी कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, ये पेपर डिफरेंट है, हमने इस पेपर के हिसाब से अपने को ढालना है. तो देखो कि 2 साल का जो है रियलिस्टिक प्लान बनाओ. पहले साल जहां से भी आप कोर्स कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्स ज्यादा सजेस्टेड है जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, क्योंकि फिजिकल कोचिंग में फिर एनर्जी ड्रेन आउट करोगे, आने जाने में समय खराब करोगे, समय की वैसे ही कमी है और फिजिकल कोचिंग हर शहर में बहुत अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध ही नहीं है. ऑनलाइन हजारों प्लेटफॉर्म हो चुके हैं जिसमें बहुत बेहतरीन क्वालिटी आपके घर बैठे आती है और वो अफोर्डेबल भी है. तो इसके केस में हम देखते हैं कि 2 साल की कोचिंग 1 साल में ले आओ, और 2 साल की कोचिंग में फर्स्ट ईयर में केवल आपने क्लासेस लगानी है. क्लासेस कैसे होंगी, 8 महीने जीएस, 4 महीने ऑप्शनल, और 1 साल के अंदर अपने इस क्लासेस के पैकेज को कर दो खत्म. सेकंड ईयर होगी केवल प्रिपरेशन और रिवीजन, कि मल्टीपल टाइम आपने चीजों को रिवाइज करना है. और जब आप मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करोगे तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपका 1 साल में जो पढ़ा है वो तो बहुत बेसिक था जो टीचर ने पढ़ाया. जैसे मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा लेकिन क्लास में जो 100% मैंने पढ़ाया वो 100% आपको नहीं समझ आता, आपको आता है 60% 50%. तो मींस कि जिस लेवल फ्रीक्वेंसी पे मैं पढ़ा रहा हूँ उस फ्रीक्वेंसी पे आप नहीं हो. आप उस फ्रीक्वेंसी पे कब आओगे, जब आप उन नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, फिर आप नेक्स्ट ईयर तक मेरी 100% वाली फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे. तो मींस आपको बार बार मल्टीपल रिविजन की आवश्यकता पड़ती है कि उन नोट्स को डीपली इम्बाइब करने की और बाकी सारे सब्जेक्ट में ऑर्गेनिक लिंक करने की. कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और ज्योग्राफी से आप देखो हिस्ट्री भी डिराइव हो रही है, पॉलिटी भी हो रही है, इकोनॉमिक सिस्टम भी हो रहा है, और अभी जो हमारा पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं इकोनॉमी, क्योंकि आप देखो डिप्रेशन की तरफ इकोनॉमी जा रही है तो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी बदलेगी, तो कैसे पॉलिटी पे इकोनॉमी के रिपरकशन है. तो ये सारी जो इंटरलिंकिंग है इसको आने में समय लगता है, ये ऐसा नहीं कि आज रात मैंने पढ़ाया और आपको अगले दिन याद आ गई, तो वो ऐसा नहीं होता इसके अंदर. यूपीएससी में क्या है, चीजें टाइम लेती है ग्रेविटी आने में, तो वो टाइम आपको देना है अपने आपको. ये पेपर कैट का पेपर नहीं है कि मैथ्स और इंग्लिश दिया और जो है क्लियर करके आईएमएस में बैठ गए. ये पेपर है मैच्योरिटी का, ये पेपर है मैनेजमेंट का. मैच्योरिटी आने में टाइम लगेगी, क्योंकि आप समझो कि वर्किंग प्रोफेशनल आप और ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि एक व्यक्ति को हमने जो है पूरे एक शहर की जिम्मेदारी दी है, वो प्रमोट हो गया किसी दिन पूरे देश की जिम्मेदारी लेगा जब वो सेक्रेटरीट लेवल पे आएगा, तो उसके अंदर वो मैच्योरिटी होनी चाहिए ना कि वो पूरे शहर को चलाए. अगर वो डीएम है, वो डीसी है, तो उसको पूरे शहर को संभालने की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैच्योरिटी होनी चाहिए. तो वो मैच्योरिटी आने में टाइम लगेगा, वो 4 किताबें पढ़ के वो मैच्योरिटी एकदम नहीं आ जाएगी, वो इवॉल्व होगा समय के साथ, उसे इम्बाइब करनी पड़ेंगी वो वैल्यूज, तब जाके वो मैच्योरिटी उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होंगी. तो ये एक पूरा प्रोसेस है, हमने प्रोसेस को एंजॉय करना है. एंजॉय कब करोगे, तब आप जब आप में पागलपन है आईएएस बनेगा. इसलिए नहीं कि जी पिताजी ने बोल दिया, माताजी ने बोल दिया आईएएस बन जाओ, 4 दोस्तों ने वाहवाही कर दी कि आप तो बड़े भाई होशियार हो और तैयारी करो आईएएस लग जाओगे, तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे. आप फ्रस्ट्रेट होगे कि आपका मन तो नहीं है लेकिन लोगों ने चढ़ा दिया और आप तैयारी कर रहे हो. जब तक अपने अंदर मन नहीं होगा तो तब तक आप खुश नहीं होगे तैयारी करते वक्त. तो यू हैव टू बी हैप्पी. हैप्पीनेस हमने लिखा था एक चीज कि जब तक आपको मजा ना आए तो आपको प्रोसेस इतना सहज लगेगा कि आपको जो है हिस्ट्री पढ़ते हुए इतना मजा आ रहा है, पॉलिटी पढ़ते हुए इतना मजा आ रहा है, तब जाके जो है तैयारी में एफर्ट्स डालने पर फ्रूट्स यील्ड होंगे, नहीं तो अदरवाइज बस फ्रस्ट्रेट होगे, निकलेगा कुछ भी नहीं. अब इसमें देखते हैं हम लोग कि हमने प्लान कैसे बनाना है. एक तो 1 साल का प्लान होना चाहिए. 1 साल का मींस 1 साल का प्लान मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया. फिर आपका हर हफ्ते का प्लान होना चाहिए. और ये प्लान इतना डिटेल में मैं क्यों समझा रहा हूँ, मैं 1 दिन के प्लान में भी आ रहा हूँ और फिर मैं बताऊंगा आपने सुबह से रात तक कैसे अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना है. क्योंकि आप ये करोगे तो किसी दिन 1 साल वाले टारगेट को खत्म करोगे. जिस दिन आप ये टारगेट मिस होंगे डेली के, आपका 1 साल 3 साल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मींस आपने डेली जो मैंने आपको कैलकुलेशन करी थी कि 1.01 रेस टू द पावर 365 विल बिकम 37 बट 1 रेस टू द पावर 365 विल रिमेन 1.
तो मींस कि थोड़ा सा एफर्ट डेली बेसिस पे एक साल के अंदर कितने बड़े रिजल्ट यील्ड कर सकता है, तो वो हम लोगों ने देखना है। तो आप देखो कि ईयरली प्लान मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल आपने चार महीने के अंदर खत्म करना है और उसके बाद इस ऑप्शनल को वैल्यू एड करना है। कैसे? मींस की टेस्ट सीरीज लगा के, मल्टीपल और सोर्सेस से पढ़ के और इसको मल्टीपल रिवाइज करके। तो उसमें चार महीने में टीचर ने पढ़ाया है, आपके चार महीने और लगेंगे इसको आईएएस के लेवल पे बिल्ड करने के लिए। दूसरा है आपका जनरल स्टडीज, आठ महीने में खत्म हो जाना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग कर रहे हो या सिविल स्टेप के आप कोर्स को कर रहे हो, तो हमारा भी सात आठ महीने का है और लोगों का भी सात आठ महीने का होता है। आठ महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। ये कब होगा? जब रोज रात को आप दो घंटे की वीडियो देखोगे। जिस दिन ये दो घंटे की वीडियो स्किप होने लगी, 365 में से मैंने आपको कैलकुलेशन वाइज बताया था 100 दिन भी आपने मिस कर दिया, हर तीसरा दिन मिस कर दिया, हर दूसरा दिन मिस कर दिया, तो 50 वीडियो पेंडिंग है जिनको खत्म करने में अगले दो महीने और लगेंगे। तो आप अपनी तैयारी से, अपने गोल से दो महीने पीछे हो गए और आप दो साल पीछे हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दिस इज द थिंग। फिर आपने जब कोचिंग कर ली, फिर वैल्यू एडिशन, सेम जीएस में वही काम है, सेम ऑप्शनल में यही काम है। तो वैल्यू एडिशन बार बार करते रहना है चीजों का। और ये सारा पेपर बोर्ड नहीं है कि जो किताब में या किसी भी टीचर ने, किसी भी इंस्टीट्यूट ने लिखवाया पढ़ाया और उसी में से पेपर आ गया। बोर्ड का एग्जाम नहीं है, आईएएस का एग्जाम है, वैल्यू एडिशन है, करंट अफेयर। वैल्यू एडिशन इज कि आप हिंदू कितना रिलीजियसली पढ़ रहे हो, रिलीजियसली पढ़ रहे हो और कितने करंट अफेयर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, कितनी ज्यादा आपके दिमाग में डायनामिक लिंकिंग क्रिएटेड है, तब जाके रिजल्ट प्रेसिपिटेट होते हैं, ऐसे नहीं रिजल्ट आता। अब सेकंड इज, अब वीकली प्लान क्या होना चाहिए, आपने हफ्ते हफ्ते के क्या टारगेट है, आपका हफ्ते का टारगेट है, जैसे वीक का क्या टारगेट है कि एटलीस्ट पूरे वीक में आपने रोज शाम को एक अपना वीडियो देखा होना चाहिए जनरल स्टडीज का, तो एक वीडियो रोज देखना है और रोज अखबार पढ़ना है, करंट अफेयर रोज आपका पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दिन बिना करंट अफेयर पढ़ा जा रहा है, आप ऑफिस में बैठे तो भी करंट अफेयर को स्क्रॉल करोगे क्योंकि आजकल हर कुछ ऑनलाइन है, अखबार लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने ऑफिस में बैठे मोबाइल पे ही स्क्रॉल किया, आपने लेक्चर्स रात को आके देख लिए और इस तरीके से वीक को यूज किया है। वीकेंड में अगर सैटरडे किसी का ऑफ है, किसी का संडे ऑफ है, तो क्या करना है, पूरे हफ्ते जो पढ़ा उसको रिवाइज किया। बार बार रिवीजन पे फोकस क्यों है, 11 सब्जेक्ट्स है, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे आठवें महीने, 12वां सब्जेक्ट, 11वां सब्जेक्ट पढ़ोगे, भूल जाओगे पहले महीने क्या पढ़ा है। अनटिल एंड अनलेस जिस महीने उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसे दो या तीन बार रिवाइज नहीं किया हो, जब तक हम प्रीलिम्स देते हैं तब तक हमने एक एक सब्जेक्ट 10-15 बार रिवाइज करना होता है, तब जाके वो याद होता है, पहले दिन रट्टे मार के याद नहीं होगा। तो मींस कि रिवीजन का बहुत बड़ा गेम है, तो ये चीज याद रखना, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कभी अपनी नौकरी नहीं छोड़ना और रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है, बार बार रिवीजन करनी है। जिस दिन रिवीजन कर ली, वीकेंड में क्या किया, लेट सपोज पॉलिटी पढ़ी है, चलो आज ना पॉलिटी के, जैसे सिविल स्टेप की आपकी वेबसाइट के ऊपर भी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में आए हुए 25 सालों के सवाल है और उनके सॉल्यूशन है कि चलो पिछले साल के ना सवाल ट्राई करके देखते हैं, पढ़ तो लिए पॉलिटी, पढ़ तो ली हिस्ट्री, अब देखें जरा कितने पानी में, 10 सवाल उठाओ जरा और देखो इनको ट्राई करके। सेल्फ इवोल्यूशन के टेस्ट डाल रखे हैं हमने अपने कोर्स में और लोगों ने भी डाले होंगे, तो उनको जरा अपने को देखो कि कितना पढ़ा है पूरे हफ्ते, कितने एफर्ट मारे। तो इस ढंग से हमने अपने वीकली प्लान बना। तो वीक के बाद हम जाते हैं कि फर्स्ट हमने देखा कि पूरे साल कैसे मैनेज करना है, हफ्ते को कैसे मैनेज करना है, वीकडे को कैसे मैनेज करना है, वीकेंड को कैसे मैनेज करना है। टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना क्योंकि वीकेंड में आपको टाइम मिला है और इसी टाइम के लिए आप पूरे साल रोते रहे हो, जैसे ही वो टाइम मिला उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब डेली प्लान पे चले जाते हैं, तो डेली प्लान है कि हमने अपनी दिनचर्या को कैसे मैनेज करना है। अगर आप अपनी दिनचर्या को मैनेज कर जाते हो तो आप पूरी यूपीएससी की तैयारी को मैनेज करते हो। दूसरा जो मैं आपको बोला था कि आपको ना एंजाइटी होने लगेगी जॉब के बाद कि यार पढ़ाई करनी थी और पढ़ाई हो नहीं पा रही, मींस कि दिमाग में करना कुछ था और वो हो नहीं पाया, तो पूरे दिन परेशान घूमोगे, अगले दिन भी परेशान घूमोगे, सोते वक्त भी परेशान घूमोगे। तो जब तक आपके डेली टारगेट मीट नहीं होंगे आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, अगर पागलपन है यूपीएससी का। अगर तो मजे से तैयारी कर रहे हो और मजे के लिए तैयारी कर रहे हो तो चाहे प्लान मीट ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे एक नहीं तो दो साल में हो जाएगा, दो नहीं तो पांच साल में हो जाएगा, तो मींस कोई टेंशन नहीं है। अगर तो सीरियसली तैयारी कर रहा है जो व्यक्ति, उसको जरूर टेंशन होगी, उसको नींद आनी बंद हो जाएगी। तो अगर वो आपको ठीक से नींद आए और पूरा दिन में मन में शांति हो, दिमाग में शांति हो, तो उसके लिए क्या करना है कि अपने पूरे दिन को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। उसका मैनेजमेंट का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि तीन स्लॉट होते हैं आपके पास पूरे दिन में। एक होता है नौकरी में जाने से पहले सुबह उठने के बाद, दूसरा है नौकरी में, तीसरा है शाम को 5-6-7 बजे आने के बाद। तो इस टाइप से तीन अपने पार्ट को डिवाइड कर लो दिन को। जो सुबह वाला समय है, सुबह वाले समय में हमारी एनर्जी लेवल हाई होते हैं, सो के उठे हैं फ्रेश है एकदम, तो हमने क्या करना है कि उस टाइम पे अखबार जरूर पढ़ना है। कभी भी ये मत सोचो कि भाई एक इंस्टीट्यूट है उसने हिंदू की समरी निकाल दी, किसी ने एक्सप्रेस की समरी निकाल दी और मैं समरी पढ़ लूंगा 5 मिनट में और क्या जरूरत है इतना बड़ा अखबार पढ़ने की।
अखबार से पर्सपेक्टिव बिल्डिंग होती है, अखबार से डिसिप्लिन आता है, अखबार से लैंग्वेज पे कमांड आती है, अखबार से ऐसे राइटिंग अच्छी होती है। तो अखबार के बहुत बड़ा रोल है, अखबार से आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, तो अखबार को कभी ना छोड़ें। तो मींस कि सुबह का आधा पौना घंटा अखबार जरूर पढ़ना है, नोट्स ना बनाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पास टाइम की कमी है, आप 12-15 घंटे पढ़ने नहीं वाले, तो अपने हाथ से नोट्स मत बनाओ किसी के भी। जैसे अगर हमारे सिविल स्टाफ है, हम लोग अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है उसके नोट्स प्रोवाइड होंगे, तो मींस करंट अफेयर के नोट्स के लिए इंस्टीट्यूट पे रिलाई कर लो, लेकिन अखबार पढ़ना मत छोड़ो, कि नोट्स विल बी कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर नॉट की सब्सटीट्यूट ऑफ द न्यूज़पेपर, दे आर नॉट सब्सटीट्यूट, दे आर जस्ट द कॉम्प्लीमेंट्री और दे आर जस्ट द सप्लीमेंट्री टू योर न्यूज़पेपर। तो ये काम करना है। दूसरा काम, आपने रात को आके एक लेक्चर जरूर सुनना है। आपने रात के टाइम क्या करना है, रात को क्यों लेक्चर सुनने को बोला जा रहा है, सुबह क्यों नहीं बोला जा रहा, शाम को आके थक जाते हैं कि मन नहीं कर रहा का नई चीज उठाने का, मन नहीं कर रहा ज्योग्राफी पढ़ने का। तो हमने क्या करना है कि जब शाम को हम आए तो हमने केवल लेक्चर सुनना है और उसको सुन के बस अपना जो है, अगर टाइम और बचता है 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा, इतना ही समय होता है रात को, और उसके बाद जो है सो जाना है टाइम से, खाना खा के, ताकि सुबह टाइम से उठ पाओ। और एक और चीज का बहुत ध्यान रखना है टाइम के लिए, कि 8 घंटे सोने वाली आदतें नहीं डालनी है जिसने वर्किंग प्रोफेशनल होकर तैयारी करनी है, क्योंकि 8 घंटे ये बहाना नहीं डालना कि डॉक्टर बोलता है 8 घंटे सो जाओ, आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि यार ये ना जॉब करता है बेचारा और उनको बड़ा तरस आता है बच्चों पे जो IAS की तैयारी करते हैं, कि 8-9 घंटे जॉब करेगा फिर 5-6 घंटे आके पढ़ेगा या पढ़ेगी और उसके बाद जो है सो नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स को चिंता करते रहने दो, आपने उनके हिसाब से नहीं जाना, क्योंकि जो डॉक्टर बोलता है 8 घंटे आम आदमी ने सोना होता है, यू आर नॉट आम आदमी, यू आर नॉट मैंगो पीपल, आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने फील्ड में भी यही करना है। तो मींस कि आपने पहले ये आम आदमी वाली आदतें और बहाने छोड़ने होंगे कि 8 घंटा सोना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। जिन्होंने तैयारी करी है UPSC की उनसे पूछना कभी, कैमरे के आगे मत पूछना, ऑफ रिकॉर्ड पूछना, तो वो सही बताएंगे कि कितने घंटे वो सोते थे, 5 घंटे 4 घंटे सोते थे या 6 घंटे सोते थे, इससे ज्यादा लग्जरी नहीं है सोने की। तो मींस कि आपने अपना स्लीपिंग साइकिल को, हाँ आपने 2 घंटे भी नहीं सोना, 3 भी मत सोने लग जाना, इतना सो जाओ कि अप्रोप्रिएट आपकी नींद पूरी जाए, 5 सो जाओ 6 घंटे सो जाओ, लेकिन नॉट मोर देन 6 आवर इज रिकमेंडेड फॉर एटलीस्ट फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल। और वो इफेक्टिव होने चाहिए, जो सो रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो खा रहे हो, सब कुछ इफेक्टिव होना चाहिए हर चीज में। एक चीज का 2 प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो एफिशिएंसी का बहुत ध्यान रखना है, चाहे टाइम हो या किसी भी चीज की एफिशिएंसी हो, दूसरा ध्यान रखना है इफेक्टिवनेस। इन दोनों चीजों में कभी भी शॉर्टकट नहीं मानना है, कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हैज टू बी देयर। हाय तनु, तो इस ढंग से हम लोगों ने चलना है। दूसरा साइकिल आता है कि सुबह के टाइम तो चलो हमने नोट्स जो रात को, मान लो कि ना मैंने रात को हिस्ट्री पढ़ा, मैंने पढ़ा जी गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आंदोलन चलाया था और उसके ऊपर एक वीडियो देख लिया 2 घंटे का लेक्चर का, सुबह उठ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शीट्स पढ़ ली या रात को भी पढ़ ली, सुबह एक बार रिवाइज कर ली, एक नजर और मार ली, थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई। उसके बाद आप ऑफिस में चले गए, ऑफिस में भी कितना भी हेक्टिक काम हो, मैं मान ही नहीं सकता कि 1-2 घंटे भी ना निकलते हो, तो आपने स्मार्टफोन का टाइम है, आपने अपना मोबाइल निकालना है और जो है हिंदू सुबह पढ़ के आए थे, 2-4 जो है और चैनल को स्क्रॉल किया, जो मैंने आपको पीयर ग्रुप वाली बात बोली थी कि सर्फिंग करो डिस्कशन फोरम में, कि लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है, कि जो है दिल्ली में बैठे बच्चे क्या तैयारी कर रहे हैं या बनारस में या चंडीगढ़ में बैंगलोर में बच्चे बैठ के क्या तैयारी कर रहे हैं, और उनके ग्रुप्स को ज्वाइन करो और उनके फोरम्स को देखो, उनके डिस्कशंस को देखो कि किस कौन से हॉट टॉपिक्स हैं, कहीं आपके अखबार से मिस तो नहीं हो गया या आपके इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर से कुछ मिस तो नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपने जो है रिलेट करना है चीजों को और सर्फिंग करनी है केवल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की। दूसरा आपने क्या करना है कि जैसे हम लोग, हमारी एक सीरीज है यूट्यूब पे जिसका नाम है जिज्ञासा, जिज्ञासा में हम क्या करते हैं करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं फ्री में, डेली बेसिस के करंट अफेयर के MCQs बना देते हैं और उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऐसे और भी इंस्टीट्यूट कर रहे होंगे या आप जिस इंस्टीट्यूट के वो भी कर रहे होंगे, तो डेली करंट अफेयर को फॉलो करो। इसलिए मैंने बोला कि करंट सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली का करंट छूटेगा तो वो 365 दिन इतना पाइल अप हो जाएगा कि आपके हाथ खड़े हो जाएंगे, तैयारी छोड़ने का मन करेगा एक दिन। तो करंट अफेयर नहीं छोड़ने, यहाँ स्टैटिक पढ़ लिया, रात को स्टैटिक पढ़ लिया, ऑफिस में बैठ के फोन पे करंट अफेयर स्क्रॉल कर लिए, बहुत टाइम निकल जाता है, 40 मिनट का 45 मिनट का हर ऑफिस में लंच आवर होता है, लंच करने में 10 मिनट लगते हैं, 45 मिनट आम आदमी को लगते हैं, मैंने पहले भी बोला है आप आम आदमी नहीं हो, आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, अपने 10 मिनट में लंच खत्म किया, जाके फटाफट जो है आधा घंटा मोबाइल पे स्क्रॉल कर लिया, करंट अफेयर देख लिए, ग्रुप्स देख लिए क्या चल रहा है। तो ऐसे हमने टाइम को, जो मैं आप बोला था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हैज टू बी देयर, और ये नहीं करना कि रात को खाना खाते खाते जो है बुक खोल के बैठ गए, खा रहे और साथ में किताबें चल रही, ये सब नहीं करना है। आपने खाने को 20 मिनट देने हैं तो इफेक्टिवली देने, 20 देने तो एफिशिएंटली देने, 20 ही देने, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाना है।
ये नहीं कि खाते पीते सोते उठते बैठते किताब खोल के बैठो, ऐसा नहीं करना है। जो काम करना है उसको पूरी शिद्दत से उसी समय में खत्म करो, तब दूसरे काम को स्टार्ट करो। तो सीक्वेंशियल तैयारी होनी चाहिए। मैं बार बार सीक्वेंशियल वर्ड पे ध्यान दे रहा हूँ कि सीक्वेंशियल तैयारी हैज टू बी देयर। तो इस ढंग से हम अपने डेली रूटीन, हम अपने वीकली रूटीन और इस हिसाब से हम अपने ईयरली रूटीन पे फोकस करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि तीन प्रिंसिपल होते हैं आपके मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज योर, सबसे पहले आपने अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, आप में वो पागलपन हो, आप में वो पैशन हो कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो। सेकंड होता है कि आप अपने टाइम को कैसे बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। ये मैंने आपको पूरे एक साल का प्लान बना के दिया। नेक्स्ट ईयर रिवीजन होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे मेंस के, और आप जिस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो वो आपकी वैल्यू एडिशन करेगी। तो इन सारी चीजों से वैल्यू एडिशन होती है, या जो आपने पढ़ा है उसके अलावा थोड़ी बहुत चीजें इकट्ठी कर ली। तो इस ढंग से हम लोग करते हैं। एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि नेवर एवर ट्राई टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए प्रिपरेशन खुद का मॉडल ठीक नहीं है, सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। कारण उसका यह है, ये नहीं कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट करते हैं इसीलिए, क्योंकि गाइडेड डायरेक्शन नहीं मिलती। कि पढ़ने को तो हजार किताबें हैं और गूगल और यूट्यूब भरा हुआ है कंटेंट से, लेकिन रेलिवेंट कंटेंट हैज टू बी देयर। तो रेलिवेंट कंटेंट आपको कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ढंग से देता है, इंस्टीट्यूट देते हैं। तो रेलिवेंट कंटेंट के लिए कोचिंग ली जाती है, मेंटरिंग के लिए। कि पढ़ तो 7 लाख बच्चे फॉर्म रहे, 700 बच्चों का क्लियर हो रहा है, तो इतना कम रेशियो है। इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मेंटरिंग बहुत जरूरी है कि किस दिशा में पढ़ना है, वो दिशा देने के लिए जरूरी होती है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप बहुत तेज भागते हो, आपकी बहुत कैपेबिलिटी है, आपको दिशा का ही नहीं पता, जब रेस शुरू हुई तो आप उल्टी दिशा में भागने लगे, तो आपके को मेंटरिंग की जरूरत है। आपको बताना है कि किस दिशा में भागना है ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपकी कैपेबिलिटीज है, जो आपका कैलिबर है, वो ठीक से टैप हो पाए। तो दिस इज व्हाट मेंटरिंग विल डू। तो मेंटरिंग इज लाइक अ लाइट। कि अगर मेरे को, जैसे मेरे सामने ना ये बोर्ड रखा हुआ है और मेरे को निशाना मारना है बोर्ड पे और लाइट बंद कर दो तो मैं निशाना नहीं लगा पाऊंगा। लाइट होगी, लाइट इज लाइक द मेंटरिंग। लाइट होगी तो मेरे को टारगेट साफ दिखेगा। तो दिस इज गाइडेंस। तो गाइडेंस से आपको पता चलता है कि आपने कहां जाना है और किस रास्ते से जाना है, कि आपको मंजिल भी दिखेगी, आपको रास्ता भी दिखेगा। तो दिस इज व्हाट गाइडेंस विल डू, दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेंटरिंग और गाइडेंस विल डू। तो इसलिए कोचिंग कहीं ना कहीं बहुत जरूरी आती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैलेंडरी एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बच्चों के साथ सेशन कर लिया, डेली सेशन करते हैं। हम बच्चों से पूछ लेते हैं, किसी ने स्ट्रेटेजिक कॉल करनी है, हमको स्ट्रेटेजी पूछनी है, गाइडेंस लेनी है, और अगर उसको लग रहा है उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है, घर पे नहीं हो पा रही, कुछ कंस्ट्रेन आ रहा है, तो हमसे मीटिंग फिक्स करो और हमें फिर उससे जूम मीटिंग के द्वारा जो है एड्रेस करते हैं उनके कंसर्न्स को। तो इस तरीके से हम मेंटरिंग कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं उनको। ये नहीं पढ़ा रहे कि पॉलिटी के डाउट पूछ लो, ये तो सब टीचर्स कर ही लेते हैं। हम उनको ये भी बता रहे हैं कि अगर पॉलिटी आपकी 40 दिन में नहीं हो रही, 50 दिन में हो रही है, तो आप गलती कर रहे हो। आप गलती कर रहे हो कि आपने सीक्वेंस ठीक नहीं रखी सब्जेक्ट की। आप गलती कर रहे हो कि हिस्ट्री से दिल लग गया, 8 महीने हिस्ट्री पढ़ते रहे, बाकी सारे सब्जेक्ट छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना। आपने टारगेट आईएएस रखा है, हिस्ट्री नहीं रखा हुआ। तो हिस्ट्री एक माध्यम है आईएएस तक, या कोई भी सब्जेक्ट माध्यम है आपको आईएएस बनाने तक। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जो है उन सारे सब्जेक्ट को स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर खत्म करो। दिस हैज टू बी देयर। तो दीज आर द प्लानिंग जो हम लोग बोलते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। नाउ आई एम ओपनिंग द प्लेटफॉर्म फॉर योर डाउट्स। अगर कोई किसी को लगता है कि उसने कुछ पूछना है तो दे कैन राइट ऑन इन द चैट बॉक्स, और वो लिख सकते हैं डाउट अपने, या कोई भी प्रकार की उनको गाइडेंस चाहिए तो दे कैन राइट। एंड वाइल आस्किंग द डाउट, तो जो यू कैन आस्क योर डाउट नाउ, थोड़ा सा पार्ट में और बता देता हूँ। तो इस ढंग से हमने पूरी तैयारी को एग्जीक्यूट करना है, और अपने लास्ट में कंटेंट मैनेजमेंट के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेंट को कैसे मैनेज किया जाता है। कंटेंट का क्या मतलब है कि इतने सारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज का क्या मतलब है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आपने अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लिए, आप खुद बैठ गए रेफरेंस बुक पढ़ने, और ये जो है आपने एनसीईआरटीज उठा लिए। जैसे वर्किंग प्रोफेशनल को अगर एनसीईआरटी उठानी है तो आज उठा लो और जल्दी से उसे एक महीने में खत्म करो, कि 6-6 महीने एनसीईआरटी को लिंगर करने का कोई फायदा नहीं है। तो मींस कि आपने एनसीईआरटी भी उठा ली, तो आपने इतनी सारी जगहों से, और आपने एक इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ी जिसके अंदर करंट अफेयर भी थे, तो 10 सोर्स इकट्ठे कर लिए। अब इन कंटेंट को, इस मटेरियल को कैसे मैनेज करना है, तो एक प्रिंसिपल ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं या आपने कुछ भी तैयारी कर रहे हो, और उस तैयारी में आप देखते हो कि आपके नोट्स 10, अगर लेट सपोज आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, ज्योग्राफी के 4 रजिस्टर बना लिए, करंट का अलग रजिस्टर,
प्रीलिम्स का अलग रजिस्टर, मेंस का अलग रजिस्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अलग रजिस्टर, चार रजिस्टर बना लिया आपने ज्योग्राफी के, तो ये सजेस्टेड नहीं है। जिस दिन आपके 11 सब्जेक्ट रिवाइज करने पड़े आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज द थिंग कि रिवाइज होने चाहिए नोट्स। रिवाइज कब होंगे? जब एक सब्जेक्ट एक रजिस्टर के अंदर होगा, पॉलिटी के करंट, पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पॉलिटी के क्लास नोट्स, पॉलिटी के आपके नोट्स, सब कुछ एक रजिस्टर में होने चाहिए, ताकि पॉलिटी पढ़नी हो तो ये रजिस्टर उठाए और पढ़ ली। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में आप जब पूरे यूपीएससी में देखोगे 11 सब्जेक्ट्स हैं, जिस दिन मेंस देने जाओगे कौन सा आप 11 सब्जेक्ट पढ़ पाओगे और इतने सारे सोर्सेज से पढ़ पाओगे? अगर आपने ज्योग्राफी के चार बना ली, पॉलिटी के चार बना ली, जिस दिन प्रीलिम्स हो गया 50 रजिस्टर उठा के नहीं पढ़ सकते, तो मींस कि आपने उतने ही नोट्स बनाने हैं और सेंट्रलाइज रखने। ज्योग्राफी पढ़नी तो एक रजिस्टर, हिस्ट्री पढ़नी तो एक रजिस्टर, वो रिवाइजेबल है। अगर हिस्ट्री चार रजिस्टर में बिखरी हुई है तो आप कभी भी यूपीएससी नहीं निकाल पाए हुए, क्योंकि कंटेंट मैनेजमेंट इज पुअर। पूरा अच्छे से टाइम मैनेज किया, पूरे अच्छे से इमोशन मैनेजमेंट किया, लास्ट में कंटेंट मैनेजमेंट में आगे फेल हुए। तो मींस कि तीनों चीजों का बहुत ध्यान रखना है। तो इधर आई एम टेकिंग द डाउट ऑफ तनु, सर व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम टू क्रैक यूपीएससी? तनु, जैसे ना बहुत बहुत वेग है, मैं बोलूंगा सवाल कि किसी के 6 साल भी लग जाते हैं, किसी का 1 साल भी लगता है, तो ये सवाल जैसे, लेकिन बहुत रेलिवेंट भी है ये सवाल, वेग इन द सेंस कि इतना ओपन एंडेड है। रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि कई लोग पूछते हैं, और ज्यादातर लोगों का पागलपन होता है कि ना पहले अटेम्प्ट में तोड़ेंगे, और मैंने बता दिया यूपीएससी के डेटा के हिसाब से 9% लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालते हैं। अटेम्प्ट पहला है, तैयारी 2 साल की हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है, कि मींस कि पहले अटेम्प्ट में इतने साल की तैयारी के बाद भी 9% लोग निकलते हैं। तो आपकी कैपेबिलिटी, आपने कितने अच्छे से टाइम को मैनेज किया, आपने कितने अच्छे से रिसोर्सेज को मैनेज किया, और कितने अच्छे से इमोशन को मैनेजमेंट किया, इस चीज पे निर्भर करेगा आप कितने सालों में क्रैक करने वाले हो। 1 साल में भी लोग क्रैक कर रहे हैं और 6 साल में भी क्रैक कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर, देखो दो चीजें, आपको किस कैपेबिलिटी के आप हो, आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, आपकी इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, आपकी आंसर राइटिंग कितनी अच्छी है, ये है आपकी कैपेबिलिटीज। आपको डायरेक्शन कितनी अच्छी मिली है, ये एक फैक्टर है। आपने उस डायरेक्शन पे एग्जीक्यूशन कितना अच्छा किया है, ये एक फैक्टर है। तो इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद जाके पता चलेगा आप कितने सालों में निकालोगे। तो इट विल डिपेंड, कई सारे मल्टीपल फैक्टर हैं। आप पढ़ने में वीक थे, कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, अंग्रेजी नहीं बोल सकते, लिख नहीं सकते हो, लेकिन पैशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैशन है, तो आपको डायरेक्शन भी अच्छी मिल गई, एग्जीक्यूशन में पूरी जान लगा दी, तो आप 2 साल में भी बन जाओगे, चाहे आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी। एक व्यक्ति है बहुत इंटेलिजेंट है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, आईआईटी से पढ़ा हुआ, बहुत सारे बच्चे आईआईटी से पढ़े हुए, डायरेक्शन ठीक नहीं मिली, एग्जीक्यूशन पुअर था, ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमने तो आईआईटी क्रैक किया था, बाईएस है क्या चीज, और सारे बैठे हुए आज क्योंकि एग्जीक्यूशन पुअर है। तो यही ये सारी चीजें, तो कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप कितना ज्यादा समय लेते हो। नाउ आई एम टेकिंग द डाउट ऑफ गुरमीत। गुरमीत, नोट्स जैसे, मैं एक बार सिविल स्टेप के बारे में बता देता हूं। हम लोग जैसे क्या करते हैं ना, हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम पीपीटी से पढ़ाते हैं और पीडीएफ दे देते हैं। पीडीएफ बहुत डिटेल होती है, उस पीडीएफ के अंदर एनसीईआरटी, जैसे मैं लेट सपोज पॉलिटी की बात करता हूँ कि सब बड़ा पॉपुलर सा सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी के केस में हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपने नोट्स दे दिए, पीडीएफ दे दिए, और उस पीडीएफ में एनसीईआरटी भी है, रेफरेंस बुक भी है, लक्ष्मीकांत भी, सब कुछ है, उसके अलावा बस करंट अफेयर एड ऑन करना है। तो आपने हमारी पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालना है, उनके साथ में स्पेस छोड़ देनी है, कोई करंट आया उस टॉपिक के ऊपर करंट को वहीं पे लिख लिया। तो इस तरीके से सेंट्रलाइज नोट्स बना लिया है, और इसमें नोट्स बनाने जो है फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नेवर एवर गो फॉर नोट्स मेकिंग फॉर एनसीईआरटी, नेवर एवर मेक नोट्स फॉर योर रेफरेंस बुक्स। इन बुक्स के कभी नोट्स नहीं बनाने, जो आपके क्लास नोट्स हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, सिविल्स नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट से फिजिकल कोचिंग एक्सेस करे, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, वहां के नोट्स बना लो और उन नोट्स में ही सब कुछ ऐड करो, क्योंकि उन नोट्स में कोई भी टीचर पढ़ाएगा ना, उसने एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक कवर करी होंगी, जो 2-4-5 इन्फॉर्मेशन रह गई होगी बस उतना ऐड करो, ताकि सेंट्रलाइजेशन हैज टू बी देयर। तो गुरमीत, हमने क्या करना है कि फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग की बात नहीं है, आपने देखना है नोट्स एक ही जगह बनाओ बस, और फर्स्ट रीडिंग में हमेशा हाईलाइट करो, एनसीईआरटी हाईलाइट करो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी की जीसी लॉन्ग पढ़ रहे हो, या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, कोई भी किताब पढ़ रहे हो, हाईलाइट करो फर्स्ट रीडिंग में ना। हमारी आदत अभी नोट्स मेकिंग की नहीं बनी होती, तो हम बड़े लंबे लंबे नोट्स बनाते हैं, इलेबोरेटेड नोट्स बनाते हैं। तो इलेबोरेटेड नोट्स के केस में क्या होता है कि वो नोट्स बहुत ज्यादा काम के नहीं रहते, 6 महीने बाद आप देखोगे ना, खुद कहोगे यार ये इतना गड़बड़ हो गई, नोट्स बहुत अच्छे नहीं बने। तो नोट्स सेकंड थर्ड रीडिंग में बनाओ, हाईलाइट करके रख लो, हाईलाइट करने के बाद क्लास नोट से कंपेयर करो, क्या रह गया उतना सा पार्ट लिखो, बाकी छोड़ दो। तो ये एक तरीका होता है नोट्स मेकिंग का। तनु, हाउ आई गेट द बेस्ट डायरेक्शन? तनु, आप जो है बेस्ट डायरेक्शन, अब इंस्टीट्यूशनल है ये, इधर यू कैन ज्वाइन सिविल स्टेप, और जो आपकी समझ में हो, जो आपके रेफरेंस में हो, वो लोग भी आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या आपने ज्वाइन करना है और कहां से डायरेक्शन लेनी है।
हाँ फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे तो नोट्स गुरमीत लंबे ही होंगे। चलो इतना इतना ही आज सेशन करते हैं। चलो थैंक्स अ लॉट।